खास खबर के प्रस्तुत करता है पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच MDH। मंडी के सराज क्षेत्र में हुआ भूस्खलन, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। निर्माणाधीन लंबा थाट से थलौट मेजर डिस्ट्रिक्ट सड़क मार्ग हुआ बंद, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह का प्रदेश सरकार पर निशाना, आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर सरकारी पैसे की फिजूल खर्ची करने के लगाए आरोप। धर्मशाला में तिब्बती महिला संघ द्वारा मनाया गया 38वां पुनर्स्थापना दिवस। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर का एक दिवसीय दौरा करेंगे और करोड़ों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री लाभार्थियों के साथ सुंदरनगर में संवाद करेंगे। इसके साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आयोजित कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। बता दें कि एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को सौगात देंगे और इसके साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मंडी में लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। एक दिवसीय दौरा जो है मंडी का करेंगे। सुंदरनगर क्षेत्र का दौरा किया जाएगा। इस दौरान प्रदेशवासियों को सौगातें दी जाएंगी और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। प्रदेशवासियों को करोड़ों की सौगात दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बिगुल बज चुका है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी एक तीसरे मोर्चे के तौर पर उभर कर सामने आई है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में आम आदमी पार्टी द्वारा गारंटियां दी जा रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश में 5 गारंटियां देने के बाद शुक्रवार को मंडी के संस्कृति भवन में केजरीवाल की गारंटी दी गई। आम आदमी पार्टी द्वारा दी गई केजरीवाल की गारंटियों को लेकर इंडिया न्यूज के संवाददाता उमेश भारद्वाज ने लोगों से खास बातचीत की है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। वहीं अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बाद जो तीसरा मोर्चा लगातार सामने उभर कर आ रहा है वो है आम आदमी पार्टी। वहीं हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के द्वारा अपनी गारंटीज़ यहां पर दी जा रही है। वहीं अगर बात की जाए गारंटीज़ की तो हिमाचल के लोगों के द्वारा इन गारंटियों को लेकर यहाँ पर अपना मत भी दिया जा रहा है। वहीं अब इस समय हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद महिलाओं से और उनसे पूछेंगे जो आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर गारंटीज़ दी जा रही हैं उनको लेकर उनका क्या सोचना है। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि जो आज के परिदृश्य देखा जाए देश और प्रदेश का, जो महंगाई है वो किस हिसाब से जो है महिलाओं को परेशान कर रही है? महंगाई की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। जो महिलाएं ज़्यादातर अपने जो रोज़मर्रा की चीज़ों की भी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इस बीच अगर हमारी आम आदमी पार्टी जो 1000 की जो सम्मान राशि दे रही है स्त्रियों को वो बहुत ही अच्छी बात है और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो हिमाचल में दूसरी जो हिमाचल की इस वक्त की सरकार जो 125 यूनिट की बिजली फ्री दे रही है हम उसका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, पर जो आज की गारंटी में जो इन्होंने कहा कि वो 300 यूनिट बिजली हमें फ्री देंगे उसका हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जो यूथ के लिए उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि ये हमें जैसे जो बेरोज़गार है उनके लिए 3000 रुपये जैसे राशि देंगे और जो रोज़गार का जो प्रबंध करेंगे उसके ऊपर भी जैसे जो गारंटी उन्होंने दी हम उसका भी बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने हमारे लिए ये गारंटियां दी, धन्यवाद। मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा कि आज मनीष सिसोदिया जी और भगवंत मान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के
गृह जिला मंडी पहुंचे थे और यहां पर जो है केजरीवाल की गारंटी दी गई है, तो इसका आपके आपका इसके ऊपर क्या कहना है? सर, जो गारंटी उन्होंने दी वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जो जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने महंगाई देखो, सिलेंडर पहले 450 का था, ठीक है जी, अब वो 1000 का हो गया, 1000 के करीब, 1010 का, 1030 का है, ठीक है जी। तो उससे जैसे महिलाओं के लिए जो इन्होंने गारंटी दिया 1000 रुपये, उससे उनको थोड़ा सा शांति हो जाएगी कि हाँ, इससे घर का निकल जाएगा सही। और जो ये बेरोज़गार लड़कों के लिए उन्होंने 3000 रुपये बता दिया, हम इसका भी सम्मान करते हैं। वही मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जितनी भी गारंटीज अभी तक केजरीवाल के द्वारा हिमाचल प्रदेश में आकर दी गई हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सारी की सारी गारंटियाँ पूरी होंगी? जी 100% लगता है, क्योंकि दिल्ली में जो गारंटी उन्होंने दी है वो की हैं, और जब पंजाब में दी है वो वहाँ पर भी हो रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ हिमाचल में भी हमारी जो गारंटियाँ दी है वो पूरी तरह से की जाएंगी। वहीं इस समय हमने बात की मंडी में यहाँ पर पहुँची हुई महिलाओं से। महिलाओं का भी यही कहना है कि जो केजरीवाल के द्वारा यहाँ पर और आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर लगातार यहाँ के लोगों को जो है गारंटीज दी गई है वो पूरी होंगी और आने वाला समय जो है हिमाचल के लिए खुशहाल होगा। कैमरा पर्सन अमन के साथ इंडिया न्यूज़ मंडी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल के मंडी दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाएं उज्ज्वला योजना के तहत मिले एलपीजी सिलेंडर वापस करेंगी। ये बात उन्होंने कहा, ऐसा उन्होंने कहा है कि यूपीए 2 सरकार में जो सिलेंडर 500 रुपये का दिया जाता था वो 1150 रुपये का कर दिया गया है। अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी का दृष्टि पत्र लेकर प्रदेश के कई गांव का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आम जनता के सुझाव से 10 गारंटियां जनता को दी हैं, इसमें से 18 से 60 साल की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1500 रुपये मासिक देने की गारंटी भी दी गई है। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही जो सारी गारंटियां हैं इनको पूरा भी करने का आश्वासन दिया है। पंचायतों में महिलाओं को ताकत के नाम पर कहा गया था कि हम महिलाओं को पंचायत में, ये इनका वायदा था, घर घर में नल तो लगाया पर जल नहीं आया। जयराम जी, ये पंचायत की महिलाएं बता रही हैं। सीएम हेल्पलाइन में जल शक्ति विभाग की रिकॉर्ड शिकायतें हुई हैं। अब कहते हैं पानी मुफ्त देंगे। सच्चाई ये है कि बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना की महामारी के बीच में 20 करोड़ रुपया आपने पानी के बिल के नाम पर वसूला। नलके लगाने की बात की थी लेकिन आपने पानी देने की बात नहीं की थी। नलका लग गया, पानी नहीं आया, ये गांव की महिलाएं कह रही हैं कि ये ताकत देने आप निकले थे। महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हूं, हेल्पलाइन याद होगा जारी किया था, गुड़िया हेल्पलाइन भी, मैं नहीं कह रही हूं, सुनिएगा, हेडलाइन है, गुड़िया हेल्पलाइन भी महिलाओं की सहायता करने में हेल्पलेस। हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई। 8400 महिलाओं ने शिकायत दर्ज की, लेकिन क्या हुआ, क्या लिखा है, पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये हेल्पलाइन भी जो है, जो जारी की गई थी, उसका नंबर था 1515, और अब महिलाओं ने हेल्पलाइन जारी कर दिया भाजपा के लिए। 1515 तो काम नहीं आई, अब हो जाओ 9211। अब महिलाओं ने नारा दिया है भाजपा का, 1515 काम नहीं आई, जयराम हो जाओ 9211। अब वहां पर घुसने तक में इनको मुश्किल होगी, क्योंकि ये जो हम पोल खोलने बैठे हैं, सबसे बड़ी और आपको बात बताती हूँ, आज की सुबह कपड़ा कौन सा पहना,
मंडी के सराट क्षेत्र से भूस्खलन का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। मामले में क्षेत्र का निर्माणाधीन लंबा थाट से थलौट निर्माणाधीन मेजर डिस्ट्रिक्ट सड़क मार्ग भूस्खलन से बंद हो गया है। वहीं इस घटना का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सड़क मार्ग पर पूरा पहाड़ कुछ ही सेकंडों में राख के ढेर की तरह भरभरा कर गिर गया है। सड़क मार्ग का निर्माण लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है, लेकिन भूस्खलन के कारण च्योणी चेत पंचायतों के बागवानों और किसानों की सेब और आलू की फसलों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है और क्षेत्र के लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। अभी तक सड़क मार्ग नहीं खुल पाया और क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर सरकारी पैसे का फिजूल खर्ची जो है की जा रही है और 25 से 30 लाख रुपए वाटरप्रूफ तंबुओं को लगाने के लिए चंद ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। अमृत महोत्सव के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैलियां की जा रही हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार को साधुवाद देते हैं, जिन्होंने हिमाचल को एक समान नजर से देखा है और विकास किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सराज, धर्मपुर और मंडी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तंज कसते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। लाख रुपए के 30-30 लाख रुपए के जो है केवल तंबू इन कार्यक्रमों में लगाए जाते हैं। वाटरप्रूफ टेंटिंग करवाई जाती है, कुर्सियां लगाई जाती है, मालाएं, धाम, एलसीडी स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन्स, सोफाज, ये सब चीजें सरकारी खर्चे के ऊपर हो रही है। और सबसे दुखद बात है कि वहां पे जो भाजपा के हारे हुए, नकारे हुए, जनता द्वारा जो ठुकराए हुए लोग हैं, उनको मंचों के ऊपर बिठवाया जाता है और जो जीते हुए कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, जिन जिन निर्वाचन क्षेत्रों में ये कार्यक्रम होते हैं जहां पे कांग्रेस के विधायक हैं, उनको ना इसके बारे में कोई सूचित किया जाता है, ना आमंत्रित किया जाता है और फिर कहते हैं कि हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये केवल सरकारी खर्चों के ऊपर अमृत महोत्सव के नाम पर जो है वो भाजपा की चुनावी रैलियां हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही है, जिसमें एक एक कार्यक्रम जो हर निर्वाचन क्षेत्र में होता है, करीबन 200 से 250 बसें पूरे के पूरे निर्वाचन क्षेत्र के जो रूट्स हैं उनको कैंसिल कर हमने, जब हमारे निर्वाचन क्षेत्र में ये प्रोग्राम हुआ था, हमने आरटीओ से बात करी, आपके जो आरएम से बात करी, उन्होंने कहा कि हमको, उन्होंने हमको बताया कि जितने अलग अलग रूट्स की बसेज है, क्योंकि हमको बहुत से लोगों के फ़ोन आए उस दिन कि हमारी शिमला आने जाने की हमको बहुत समस्या हो रही है, हमारे सारे रूट्स बंद कर दिए गए हैं। जब हमने अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमको सरकार का डंडा है, मुख्यमंत्री का डंडा है, प्रशासन का डंडा है कि सारी की सारी बसों जो है वो इस कार्यक्रम के लिए लगाई जा रही है। निर्वासन में तिब्बती महिला संघ द्वारा मैक्लोडगंज में अपना 38वां पुनर्स्थापन दिवस मनाया गया। तिब्बती महिला संघ द्वारा पुनर्द्वार के लिए हर साल 10 सितंबर को शुभ दिन के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर तिब्बती महिला संघ की उपाध्यक्ष सरिंग डोलमा ने कहा कि चीन ने तिब्बत में हालातों को और ही खराब कर दिया है और निर्दोष तिब्बतियों को गिरफ्तार कर उन्हें उन पर जो है जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तिब्बती महिला संघ को सबसे बड़ा और सबसे पुराना महिला संगठन माना जाता है और कहा कि हमारा संघर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, क्योंकि वह तिब्बत और तिब्बतियों के बारे में सच्चाई की लड़ाई है। मेरा नाम सिंग डोलमा है, मैं तिब्बतन वुमेन एसोसिएशन का उप अध्यक्ष हूँ। आज का यहाँ प्रोग्राम चल रहा है वो है हमारा आज खुशी का दिन माना जाता है, क्योंकि इंडिया में 1959 से
हम यहाँ आए हुए हैं, तो उसके बाद 59 से लेकर अभी तक टिबेटन वुमेन एसोसिएशन है, जो तिब्बत से आए हुए लोग बहुत मेहनत करके ये बनाया हुआ है। तो 1976-78 ऐसा में थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अपना घर का जिम्मेवार बहुत उठाना पड़ता है ना, तो इसके ऊपर भाषा नहीं आते हैं, बोलना का नहीं आते, हिंदी नहीं जानते हैं, इसलिए थोड़ा समय से हो गया है। तो इसके बाद 1984 में हिज होलीनेस ने टिबेटन वुमेन एसोसिएशन फिर री करो बोला, तो उसके बाद हमारा टिबेटन वुमेन जो सब इकट्ठा करके री एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो अभी तक कितना 38 साल हो गया है टिबेटन वुमेन एसोसिएशन री एस्टेब्लिशमेंट हो के 38 ईयर्स हो गया है। इसका प्रोग्राम आज हम खुशी के मना रहा है। ये तो बहुत दुखी की बात है, अभी जो है तिब्बत में और मुश्किल हो गया है, चाइना लोग ने बहुत गायब कर देता है, पकड़ लेता है बिना वजह के। जिला सोलन में भक्तों में खासा उत्साह गणपति विसर्जन के दौरान देखने को मिला। भक्तों ने गिरी नदी और अश्विनी नदी में जाकर दाता गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना की और उसके बाद विसर्जन किया। सभी की खुशहाली की कामना की गई। इस दौरान विशेष रूप से मोदक का भोग गणपति जी को लगाया गया। आमजन सहित खास बात यह रही कि किन्नरों ने भी गणपति पूजन कर गणपति विसर्जन किया, ताकि उनकी दुआओं का असर भी सभी प्राणियों की सुख शांति में काम आए, और किन्नरों ने अपने खास अंदाज में गणपति जी को विदाई दी है। नमस्कार जी, गणपति बापा मोरिया। मैं शीला महंत, ये मेरे गुरुजी है प्रिया महंत, हम सोलन से हैं। ये हमारा दूसरा साल है गणेश जी हमने स्थापित किए थे, लोगों की भलाई के लिए और सोलन वासी खुशियों के लिए। हम चाहते कि हमारे परमात्मा जो हमारे ज़रिए से जो हम दुआ देते हैं तो लोगों का भला हो, सबका कष्ट निवारण हो, विघ्न हर जाए, इसलिए हमने ये स्थापना की थी। और हम आशा करते हैं कि भगवान कृपा करेंगे कि हम हर साल गणेश जी की स्थापना करेंगे और पूरे नियमों के साथ यहाँ विसर्जन करेंगे। तो किस तरह से किया आज आपने विसर्जन? कहाँ पे किया? हमने गिरी पुल किया है और हम इनकी शोभा यात्रा हमारे डेरे रत्नी नानी का जो डेरा है डिग्री कॉलेज के पास, यहाँ से लेकर आए थे। अब अभी विसर्जन हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर दौरे के दौरान सुजानपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत छोड़ने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उन्होंने भारत जोड़ने की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर राज किया आज भारत उनसे आगे निकल गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गुलामी की मानसिकता से अभी भी बाहर नहीं निकल पाई है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ने की बात बड़ी दूर की बात है, लेकिन कांग्रेस पहले अपने परिवार और कुनबे को बचा ले, उनके लिए ये ही एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। प्रगतिशील हिमाचल प्रदेश, 75 वर्ष जहां देश आज़ादी के मना रहा है, वहीं पे हिमाचल प्रदेश भी 75 वर्ष मना रहा है प्रगति के। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से शानदार काम किया है और नए आयाम स्थापित किए हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। निश्चित तौर पर विपक्ष का तड़पना और ये इस तरह के बयान आना वो स्वाभाविक है, क्योंकि वो काम अपने समय नहीं कर पाए जब वो सत्ता में थे। उनके समय जब सरकार थी वो विधायक भी नहीं थे, तब तो हमारे किए हुए कामों के भी उद्घाटन कर देते थे जिसमें उनका कोई योगदान नहीं, ना बजट पास कराने में, लगाने में। तो ऐसे लोग आज तड़प रहे हैं, तो मुझे लगता है ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिन्होंने कभी खुद कुछ किया ही नहीं उनसे यही अपेक्षित था। लेकिन दूसरी ओर डबल इंजन की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र से लेकर प्रदेश तक
प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए, जहाँ एक और विशेष राज्य का दर्जा वापस दिया, हर घर नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर ही रसोई गैस के सिलेंडर भी हर बहन को दिए, स्वास्थ्य की सुविधा 5 लाख रुपए तक की दी, 60 वर्ष से ज़्यादा वालों को पेंशन दी, तो 120 यूनिट बिजली के भी मुफ्त देने का काम किया। इसका जवाब विपक्षी दलों के पास नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेशवासियों को गारंटियां देकर सियासत माहौल जो है लगातार ही गर्माता जा रहा है। इसके अंतर्गत शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंडी के संस्कृति भवन में केजरीवाल की ओर से हिमाचल की जनता को 6 और गारंटियां दी हैं। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया ने हिमाचल की जनता को केजरीवाल की 6 गारंटियां, जिनमें कि रोजगार, व्यापारियों और पर्यटकों के लिए गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त गारंटी, पंचायत गारंटी, तीर्थ यात्रा गारंटी, बागवानों और किसानों के लिए गारंटियां दी है। पहली गारंटी है युवाओं को कि हर एक बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराया जाएगा और जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक हर एक बेरोजगार को 3000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और 6 लाख लोग सरकारी नौकरियों में भर्ती किए जाएंगे और परीक्षा लेंगे, पेपर लीक नहीं होने देंगे, पेपर लीक के खिलाफ कानून बना के सख्त सजा दिलवाएंगे, उसका कानून बनाया जाएगा और बिना पेपर लीक सारी परीक्षा समय पर पूरी कराई जाएंगी। सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में भर्ती सिफारिश और भ्रष्टाचार खत्म करके ईमानदारी से दी जाएगी और युवाओं को नौकरी के नए नए अवसर दिए जाएंगे। चलिए, अगर आप सेवा का कह रहे हो तो उसके बाद आप कह रहे हो कि मुझे ये दो वो दो, तो मैं आपको ये बात कहने के लिए आया हूं कि निकलिए बाहर। और हमारा तो चुनाव चिन्ह भी ऐसा है, याद रखने की जरूरत ही नहीं, खासतौर पर महिलाओं को तो याद रखने की जरूरत नहीं। सुबह सुबह 4 बजे 4:30 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं कहाँ पड़ा है। लेकिन ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहाँ पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है, सुबह वाली सफाई इधर से पकड़ के झाड़ू करता है, शाम वाली सफाई दूसरी तरफ से पकड़ के होती है। देश के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर सोनू शर्मा द्वारा बिलासपुर जिला के युवाओं और स्कूल कॉलेज के छात्रों को जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरणा देने और नशे से दूर रहने के लिए इंडोर स्टेडियम बिलासपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पुत्र और समाजसेवी हरीश नड्डा युवाओं को नशे से दूर रहने और भविष्य में कुछ कर गुजरने के मकसद से लगातार अभियान चलाए हुए हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान भारतीय स्पेशल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल और बिलासपुर से विधायक सुभाष ठाकुर भी मौजूद रहे। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।